नंबर ऑफ वन मोल में मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पता चल जाए, तो अब मैं क्या करूँगी? अब हम ये करेंगे कि हमें एक साइंटिस्ट ने एक वैल्यू दे दी जो कि है 6.02 × 23, यानी 1 मोल ऑफ एनीथिंग, चाहे वो कोई एटम हो, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल हो, या चाहे वो कोई आयनिक कंपाउंड हो, 1 मोल किसी भी चीज़ का होगा उसमें हमेशा 6.02 × 23 पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। और इस मखसूस नंबर को, जो ये एक स्पेशल नंबर है, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट और नंबर, सही? यानी ये नंबर हमें अब याद कर लेना है कि ये जो नंबर है 6.02 × 23, ये नंबर अब हमें याद करना है, जो हमें एवोगैड्रो कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है कि ये नंबर चेंज नहीं होता, ये एक फिक्स्ड फिगर हमें दी गई है, सही? तो ये हमारा जो वो है, हमारा लेक्चर है, ये बेसिकली आज का लेक्चर जो है वो 2 टॉपिक्स को कवर कर रहा है, ठीक है? और उन 2 टॉपिक्स में हमारे पास, एक तो हमने डिस्कस किया मोल को, सही, और दूसरा एवोगैड्रोस नंबर को, यानी मोल, 1 मोल ऑफ एनीथिंग बराबर होता है उसके मास, जो कि ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, सही? यानी अब मैं कह सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ, या 1 मोल ऑफ कार्बन बराबर होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन के, और वो बराबर होता है 6.02 × 23 एटम्स के, सही? यानी मैं जो है वो अब आराम से ये कह सकती हूँ कि हमारे पास जो 1 मोल ऑफ कार्बन है वो बराबर है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन के, और वो बराबर है 6.02 × 23 एटम्स के। सिमिलरली 1 मोल ऑफ CO2 बराबर है 44 ग्राम उसके मॉलिक्यूलर मास, ये वाली चीज़ हमें पता है कि कहाँ से आई होगी, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकाला होगा, सही? तो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, और ये बराबर है 6.02 × 23 मॉलिक्यूल्स के। सिमिलरली अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम्स के बराबर है, यानी इसके फॉर्मूला मास के बराबर है, तो ये बराबर है 6.02 × 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सही? ये हम, अब मैं एक दफ़ा मज़ीद अपने इस दोनों टॉपिक्स को जो है वो रिवाइज करूँगी। मोल के बारे में हमने पढ़ा, मोल एक ऐसी क्वांटिटी है, बेसिकली मोल को एक साइंटिस्ट का सीक्रेट यूनिट कहा जाता है, सही? मोल को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम ये, हमें, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि वाई मोल, जब हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, जब हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, तो वाई मोल? इसका जवाब ये है कि हमारे पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर वेरी टाइनी, सही, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इन्हें हम किसी बैलेंस मशीन में रख कर इसको वेट नहीं कर सकते, सही? इसको हैंडल करने में हमें मुश्किल होती है। यही वजह थी कि केमिस्ट ने जो है वो मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब इस मोल के कॉन्सेप्ट से इतनी आसानी हुई कि हम ये कह सकते हैं आसानी से कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन्स उसका मास इन ग्राम्स, और उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर भी आ गया। अब अगर हम डबल करते जाएं, यानी हम जो है वो मास बढ़ाते जाएं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन मौजूद है, तो इसका मतलब है 12 ग्राम ऑफ कार्बन मेरे पास मौजूद है। अब अगर मैं कहूँ कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन मौजूद है, तो अब मैं सिंपल ये बता दूंगी कि मेरे पास 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन मौजूद है, सिंपल इज दैट। तो ये कॉन्सेप्ट था और ये लॉजिक थी मोल को, मोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 23, ये हमें याद करना होगा। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ,
यानी इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ। हमारी सिंटेक्स की बुक में जो न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से रिलेटेड मौजूद हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि दो कैटेगरीज में, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना बताया है, यानी हम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमें वो बताया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हम पिछले पेज पे पढ़ के आ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो हमारा फार्मूला है वो है मास जो भी गिवन होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय दी, अब मैं पहले Na के लिए सॉल्व कर रही हूँ, यानी सोडियम के लिए। सोडियम एक सिंगल एलिमेंट है, सही है, तो अब मुझे यहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा, एटॉमिक मास, सही, क्योंकि अभी मैं एक सिंगल एटम की बात कर रही हूँ। तो सिंपल 50 ग्राम हमें मास गिवन है, तो 50 ग्राम्स ऑफ Na में एटॉमिक मास Na का कितना होता है, 23। तो अगर मैं 50 डिवाइडेड बाय 23 करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 50 डिवाइडेड बाय 23। सो आई गॉट द आंसर विच इज 0.347, और यहाँ पे क्या आएगा नंबर, यहाँ पे हम लिख देंगे इसका यूनिट जो क्या है मोल, यानी कितने, वन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ Na में कितने होंगे, 0.347 ग्राम, सही। ये था हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स एक्सरसाइज, सही। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो दूसरी वो दी हुई है, वो दी हुई है आपकी क्या दिया हुआ है आपको, H2O यानी मॉलिक्यूल की बात की गई है। तो अब H2O का किस तरीके से निकालेंगे हम, H2O का निकालने का तरीका क्या है कि H2O में पहले तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे हम जल्दी से। इसका मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है H का 1 होता है, सही। यहाँ पे हमारे पास दो एटम्स मौजूद हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, सही। इसी तरीके से यहाँ पे 2 आ गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पे इसका एक ही एटम है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे और हमारे पास आ गया 16। 16 में हमने 2 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 18 ग्राम्स ऑफ H2O, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O हमारे पास आया 16 ग्राम। अब अगर इस 16 ग्राम को लेकर अगर अब सेम मैं यही वाला फार्मूला लगाऊं तो यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह अब मुझे यूज़ करना पड़ेगा क्या, मॉलिक्यूलर मास, एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मास यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसका, यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग कर रही हूँ साइड में, मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है तो मैं इसमें साइड में वर्किंग कर रही हूँ। तो अब मास 50 ही दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना हो गया 18, तो 50 डिवाइडेड बाय 18 गिव्स यू व्हाट, 15 डिवाइडेड बाय 18 गिव्स यू 2.77 मोल, सही। तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हमें एग्जाम में नंबर ऑफ मोल्स निकालने को दिए जाएं, सही है। प्लीज़ मेरे वर्डिंग्स को अच्छे तरीके से सुनना है कि मैं क्या कह रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने को दिए जाएं अगर किसी एलिमेंट में या किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयनिक कंपाउंड में, तो उसका फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है हमारा यही, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा, यानी हमारा जो हम फार्मूला हम पिछला पढ़ के आ चुके हैं वो ये फार्मूला है हमारा, मास गिवन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी हमें मास जो है वो गिवन दिया जाएगा और उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, ये फार्मूला हमें याद रखने की जो है वो ज़रूरत है। इससे रिलेटेड हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व करके देख ली, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है यानी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल, उसमें हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि हमें
कैलकुलेट करना है मास ऑफ अ सब्सटेंस, और हमें जो है वो नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे, सही।